न्यूमेरिकल्स के लिए पहला फॉर्मूला एम मीटर का मैंने बता दिया। एम मीटर के अंदर शंट का ये फॉर्मूला आपने लिख लिया रजिस्टर में, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला। वोल्ट मीटर के अंदर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, आई जी का मतलब करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई जी। विच शो द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब गैल्वेनोमीटर की कोई पूरा करंट कितना मेजर कर सकती है, आई जी। जीरो से वी रेंज ऑफ अ वोल्ट मीटर का मतलब है, जैसे जीरो से पांच वोल्ट है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, तो वो वोल्ट मीटर जीरो से पांच की वैल्यू को मेजर कर सकता है वोल्ट में। तो आपने वी की वैल्यू पांच लेनी है, हम मैक्सिमम के साथ काम करते हैं, तो वोल्ट मीटर पांच वोल्ट के साथ काम करता है। आर का मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई, और आर का फॉर्मूला हमने नोट किया हुआ है। तो एग्जाम्पल्स हैं बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। जैसे पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर विद क्वाइल ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये किसकी रेजिस्टेंस गिवन है, गैल्वेनोमीटर की, तो इसको जी से या आर जी से रिप्रेजेंट करो। तो ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस गिवन है। शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर, ये किसकी बात कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर का क्या दे रहा है वो आपको रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का क्या दे रहा है आपको, आई जी। हाउ विल यू कन्वर्ट मीटर इंटू एम मीटर, सजेशन मांग रहे हैं, बोलो मैं क्या करूं, इस गैल्वेनोमीटर में तो छोटा करंट है, मैं मेजर करना चाहता हूं बड़ा करंट, कितना, 0 से 7.5 एम्पीयर का, मतलब आई कितना मेजर करना चाहता हूं, 7.5 एम्पीयर। तो क्या सजेशन दोगे, क्या लगा, शंट। तो आपको जी पता है, आई जी पता है, शंट की वैल्यू आपको निकाल के देनी है। तो आंसर आएगा इतनी शंट निकालनी पड़ेगी, और लिखना पड़ेगा ये शंट किसमें लगेगी, इन पैरेलल। एक आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसी गैल्वेनोमीटर को वो कन्वर्ट करना चाहता है किसमें, वोल्ट मीटर में, जिसकी रेंज कितनी है, 0 से 10 वोल्ट। तो अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगती है रेजिस्टेंस, आर। वी आपको दे रहा है वो कितना, 10, वी पुट कर लेना 10, आई जी और जी पता है आंसर, और ये रेजिस्टेंस किसमें लगेगी, इन सीरीज, राइट। तो कैसे आंसर देने समझ में आ रहा है कन्वर्जन में, जैसे गैल्वेनोमीटर विद अ स्केल डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन, तो मीटर में 100 डिवीजन हैं, मीटर में 100 डिवीजन हैं, हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो मैंने बताया आपको डिवीजन पर मिली एम्पियर करंट सेंसिटिविटी है, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। वॉट अडॉप्शन आर रिक्वायर्ड टू रीड 5 एम्पियर फॉर फुल स्केल, क्या चाह रहा है, बातों से क्या पता लग रहा है, ये तो 5 एम्पियर गैल्वेनोमीटर तो मेजर नहीं कर सकता, तो कौन मेजर करेगा, एम मीटर। तो ऐसे में क्या होगा, वो ये पूछ रहा है कि ये सारी कंडीशंस किसकी गिवन है, गैल्वेनोमीटर की, और वो क्या चाहता है, क्या कन्वर्ट करना है, एम मीटर, जो क्या मेजर करे, 5 एम्पियर, राइट। तो ऐसे में क्या करेंगे, करंट सेंसिटिविटी गिवन है, वोल्टेज सेंसिटिविटी गिवन है। बेस्ट तरीका तो यही है कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है ना, वो क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस, और किसकी बात हो रही है, गैल्वेनोमीटर की। तो साइड पे नोट लिख लो प्लीज, ये मैंने लंबा किया हुआ एक्चुअली ये क्वेश्चन, थोड़ा आप छोटे में कर लो। आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी पता है, आपको करंट सेंसिटिविटी पता है, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इन्हें डिवाइड करके, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो कुछ भी नहीं पता, दोनों सेंसिटिविटीज गिवन है, दोनों को डिवाइड करके आप निकाल लेना, क्लियर है। मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, कैसे, मैंने कहा जी देखो कि करंट सेंसिटिविटी कितनी गिवन है, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी कि 10 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंगली करंट इतना है, मैंने यूनिटी मेथड लगा लिया, 1 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंगली करंट इतना है, और हमारे पास 100 डिवीजन है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट इतना है, गैल्वेनोमीटर का करंट निकाल लिया। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी गिवन है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, तो मैंने फिर यूनिटरी लगाया, 2 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंगली वोल्ट इतने हैं, 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली इतने हैं, और 100 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वीजी मैंने वोल्टेज गैल्वेनोमीटर की निकाल, तो करंट निकाल लिया और वोल्टेज निकाल ली, फिर मैंने डिवाइड करके आर निकाल लिया या जी निकाल लिया। ये लंबा है, आप सीधा ही डिवाइड कर दो, वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी को डिवाइड करोगे सीधा आर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं उसे एम मीटर बनाना, और एम मीटर की रेंज क्या है, 5 एम्पियर, तो आई 5 एम्पियर है, तो शंट लगा दें आंसर। अगर आप चाहते हैं उसे वोल्ट मीटर बनाना, तो वोल्ट मीटर में क्या लगेगी, आर, तो
तो आर का फॉर्मूला लगाएं, आंसर खत्म। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये कह रहा है क्योंकि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो 1 डिवीजन पर वोल्ट है और हमारे कितने डिवीजन हैं, 100। तो 1 डिवीजन में 1 वोल्ट है तो 100 डिवीजन में 100 वोल्ट आएगा, तो वोल्ट मीटर कितने मेजर करेगा, 100 वोल्ट। तो इसलिए वी की वैल्यू यहाँ पर जो पुट करनी है वो 100 पुट करनी है। तो मेथड सबको समझ में आ रहा है।